नमस्कार, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। और ऐसे में एमसीडी चुनाव का ओपिनियन पोल क्या कहता है, आखिर दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा? अरविंद केजरीवाल विर्सेस बीजेपी यहां पर चुनाव हो सकता है और 250 वार्डों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, दिल्ली पर किसका कब्जा होगा, क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, कौन किसको कड़ी टक्कर देगा? क्योंकि यहां पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है, इसके साथ ही एमसीडी चुनाव कौन जीतेगा, यह माना जा रहा है कि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव हो सकते हैं, गुजरात और एमसीडी चुनाव साथ साथ हो सकते हैं, तो दो जगह इलेक्शन, लेकिन फायदा किसे नुकसान, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव पर फोकस करेगी या फिर दिल्ली एमसीडी पर यहां पर फोकस करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर दो जगह यहां पर चुनावी प्रचार करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। 4 दिसंबर को यहां पर गुजरात और यहां पर एमसीडी चुनाव हो सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ गया है। अगर गुजरात और यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव साथ होते हैं तो फिर कौन यहां पर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े, क्योंकि एमसीडी चुनाव पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तैयारी में है, लेकिन गुजरात चुनाव भी यहां पर करीब है और दो राज्यों में अगर चुनाव यहां पर हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, आखिर साथ साथ चुनाव होते हैं तो फिर क्या आम आदमी पार्टी फंस सकती है, यहां पर क्या आंकड़ा बनेगा, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, गुजरात और एमसीडी चुनाव पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस कारण से यहां पर अब 250 वार्डों पर ही एमसीडी चुनाव होंगे, पहले यहां पर 3 निगम में चुनाव थे यहां पर दिल्ली के लिए, लेकिन अब यहां पर तीनों निगम को एक साथ कर दिया गया, 250 वार्डों पर यहां पर चुनाव होंगे। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर काफी दबदबा रहा है एमसीडी चुनाव पर, 2007 से लेकर अब तक 2017 तक बीजेपी यहां जीत चुकी है और एमसीडी 2012 के नतीजों के 272 वार्डों में से बीजेपी ने 142 वार्डों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 54 जबकि अन्य ने 56 वार्डों पर जीत हासिल की थी, जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यहां पर मुख्यमंत्री थे 2017 के दौरान, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने यहां पर एमसीडी पर कब्जा जमाया था, एक तरफा 181 जबकि आम आदमी पार्टी ने 49 और कांग्रेस ने 31 वार्डों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी कब्जा रहा है तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बाहुबली के तौर पर देखने को मिले, 63 सीटों पर जीत हासिल की थी, 70 सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीटों पर ही सिमटी, लेकिन एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इसके आंकड़े भी आपको यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब एमसीडी के लिए 270 नहीं जबकि 250 वार्डों पर एक साथ चुनाव होगा। और 2022 एमसीडी की अगर बात की जाए, दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा हो सकता है, इसमें अगर रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाएं, पहले जो 3 निगम थे उसमें अगर बात की जाए तो ईस्ट एमसीडी पर 63 सीटें थी, लेकिन अब कुछ सीटें कम कर दी गई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर 39% वोट शेयर आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 43% वोट शेयर, कांग्रेस को 17 की बात की जाए 3% वोट शेयर जा सकता है, यानी ईस्ट एमसीडी की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को करीब 34 सीटें जा सकती है, 334 सीटों तक, जबकि आम आदमी पार्टी 25 से 27 सीटों पर, कांग्रेस यहां पर 4 सीट आने की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर ईस्ट एमसीडी दिल्ली के लिए जा सकती है, जबकि साउथ यहां पर एमसीडी तो जो रीजन है उसकी अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यहां पर 104 सीटें पहले थी, लेकिन कुछ सीटें अब यहां पर भी कम कर दी गई हैं, क्योंकि सारे जो यहां पर रीजन है इनको एक साथ करके 250 वार्डों पर चुनाव होगा। और आपको अगर देखा जाए तो यहां पर जो है क्षेत्र वाइज यहां पर आंकड़े दिखा रहे हैं, तो इसमें 104 सीटों की जगह आपको सीटें कम हो सकती है, इसमें अगर बात की जाए कांग्रेस को यहां पर 14% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर, और आम आदमी पार्टी बीजेपी में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी 41% वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर यहां पर 42 से 45% हो सकता है। और इस हिसाब से यहां पर साउथ एमसीडी के लिए अगर सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर करीब 10 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर करीब 35 से 40 सीटों तक आ सकती है, आम आदमी पार्टी को यहां पर कुछ सीटों का फायदा हो रहा है, पहले चुनाव से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर करीब यहां पर 50 से 55 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है रीजन के अंदर, और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जबकि नॉर्थ एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर भी 104 सीट थी, लेकिन अब कुछ सीटें यहां पर भी कम कर दी गई हैं, क्योंकि तीनों रीजन की बात की जाए तो पहले जो आंकड़ा था 272 था, लेकिन अब यहां पर 250 वार्डों पर ही यहां पर चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी को यहां पर 38% वोट शेयर, बीजेपी यहां पर 39 और कांग्रेस 20%, अन्य की बात की जाए 2% वोट शेयर, इस हिसाब से यहां पर आम आदमी पार्टी को करीब 35 से 40 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर जो है
40 से 50 सीटों के बीच बीजेपी यहाँ पर रह सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 14 सीट की बात की जाए तो एक सीट जा सकती है। इस हिसाब से तीनों रीजन के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी यानी सभी रीजन के आंकड़े 250 हो जाते हैं और इस बार 250 वार्डों पर ही सीधे तौर पर चुनाव होगा। तो 250 वार्डों का सीधा ओपिनियन पोल जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो 80 से 100 सीटों तक आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, जबकि बीजेपी यहाँ पर 100 से 120 सीटों तक पहुंच सकती है, कांग्रेस करीब 30 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीट जा सकती है। यानी दिल्ली एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार रह सकता है जो आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े यहाँ पर जो नेता है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी पर फोकस कर रहा है, जिस कार की रणनीति यहाँ पर अमित शाह ने भी बनाई है उस हिसाब से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, पीड़ा रख सकते हैं अगर गुजरात और एमसीडी चुनाव साथ होते हैं तो आम आदमी पार्टी को क्या गुजरात में झटका रहेगा या फिर एमसीडी पर, क्या बीजेपी यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर गुजरात और एमसीडी पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव पर किसका कब्जा होगा, इस पर रायकर बॉक्स जरूर रखिए क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गुजरात और एमसीडी चुनाव साथ होते हैं तो फिर कौन जीतेगा, इस पर रायकर बॉक्स जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।